What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 23rd जुलाई 2020 थर्सडे है, सुबह के 8:58 हो रहे हैं। थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी का दिन है। तीन दिन की तरह मार्केट फिर से एक बार वो हाईली वोलेटाइल हमें देखने को मिल सकता है। थोड़ा लेट हो सकता है ये वीडियो आज आने के लिए, तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 22nd जुलाई आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,115। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट ने इसको पेनेट्रेट किया, इस लेवल को, इसके नीचे सस्टेन नहीं हुआ, क्लोज नहीं हुआ। यहाँ से एग्जैक्ट सपोर्ट लेके ये बाउंस बैक हुआ, तो एग्जैक्ट हमारा जो ब्रेकआउट लेवल था यहाँ पर इसने एग्जैक्ट रेजिस्टेंस फेस किया और ट्रिपल टॉप जैसा फॉर्मेशन यहाँ पर बनाकर ये नीचे आया। और नीचे आने के साथ ही जब ब्रेकडाउन लेवल को कंफर्टेबली इसने ब्रेक कर दिया, तो फर्स्ट टारगेट 11,097 और 11,085 सेकेंड टारगेट भी यहाँ पर अचीव हुआ। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 15 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 11,250 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार नासडैक देखे तो फ्लैट नोट के साथ बंद हुआ, हल्की सी बढ़त देखने को मिली। यूरोपियन मार्केट्स सभी लाल निशान में बंद हुए, और आज जब एशियाई बाजार ओपन हो चुके हैं तो एक फ्लैट नोट के साथ यहाँ पर कारोबार देखने को मिल रहा है। एसजीएक्स निफ्टी हल्की सी कमजोरी दिखा रहा है, जापानीज इंडेक्स भी 132 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर देखे तो यहाँ पर भी हल्की सी इस समय कमजोरी देखने को मिल रही है। यूएस और चाइना के बीच में थोड़ा पॉलिटिकल टेंशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी चल रही है, तो थोड़ा सा टेंशन भरा माहौल है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट को एक बार देख लेते हैं। वीकली चार्ट में जैसे कि हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था, अभी ये वीक खत्म होने में 2 ट्रेडिंग सेशंस बाकी है, तो एग्जैक्ट 100 लेवल के पास इसने अभी रेजिस्टेंस फेस किया। डेली चार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख सकता है कि ऊपर ये ओपन हुआ और सस्टेन नहीं कर पाया इस लेवल के ऊपर, और कल हमें एक यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। अगर ये कल का लो ब्रेक कर देता 11,056 तो निफ्टी इंडेक्स यहाँ से और भी हमें करेक्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी ये एक वेव की तरह यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ये देखिए ऐसे, तो हो सकता है अभी इस वेव का ये स्विंग हाई बने और यहाँ से ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन दिखा के 20 EMA के पास फिर से ये सपोर्ट टेस्ट करके फिर आगे बढ़े। तो यहाँ पर RSI को भी देखे तो ये अभी 70 अबव यानी ओवरबॉट जोन में चला गया है। तो कल भी जैसे हमने कहा था, ओवरबॉट जोन में जाने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है, तो कल यहाँ पर एक निगेटिव कैंडल, बियरिश कैंडल यहाँ पर क्रिएट हुआ है। तो बियरिश कैंडल का लो अगर कंफर्टेबली ब्रेक कर देता है आज, तो यहाँ पर और ये करेक्शन यहाँ से थोड़ा बढ़ सकता है। तो ये डेली चार्ट का सीनारियो है। चलते 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अभी ये जो गैप क्रिएट हुआ था 2 दिन पहले, ये ऑलमोस्ट कल फील हुआ हो चुका था, लेकिन थोड़ा अभी फील होना बाकी है। तो यहाँ पर अगर कल के लो को ब्रेक करता है तो तुरंत S1 का यहाँ पर सपोर्ट लेवल है पिवट पॉइंट का, तो इसको कंफर्टेबली ब्रेक होने दीजिए, यानी 11,036 ये जो गैप क्रिएट हुआ था, इसका ये जो लोअर बैंड है इसको कंफर्टेबली ब्रेक होने दीजिए, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,013, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 10,987, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर ये ऊपर की तरफ बढ़ता है, यानी टूवर्ड्स साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ अगर ये बढ़ता है, तो पिवट पॉइंट के लेवल के ऊपर इसको सस्टेन होने दीजिए, यानी ये जो लास्ट बुलिश कैंडल है कल की, तो उसके ऊपर 11,152 के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,178, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 11,200, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।
ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोदा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।